हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आपको IPL की फैंटेसी टीम से लेकर मैच की भी प्रेडिक्शन मिलती है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारी लास्ट प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही गई हैं। तो आप में से जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके आने वाले सभी मैचेस की प्रेडिक्शन के लिए रेडी रहें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IPL के चौथे मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच शारजाह दुबई में। जहां चेन्नई अपना पहला मैच जीत चुका है, वहीं राजस्थान के लिए ये उसका पहला मैच होगा और जाहिर सी बात है कि CSK का कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई होगा। तो हम बात कर लेते हैं टीम प्रीव्यू की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स के बारे में। ये बात तो तय है कि राजस्थान की टीम में काफ़ी ज़्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं। वैसे तो ये टीम अपने घरेलू प्लेयर्स पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, पर इस बार उसके पास इंटरनेशनल T20 प्लेयर्स भी मौजूद हैं और कम से कम ऑन पेपर तो ये टीम काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि राजस्थान के पास बेहद ही मजबूत शीर्षक्रम है, जिसमें जॉस बटलर, स्टीव स्मिथ, रॉबिन उथप्पा और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। हालांकि बेन स्टोक्स के खेलने को लेकर अभी भी कुछ साफ नहीं है, पर राजस्थान के पास ऐसे कई घरेलू प्लेयर्स हैं जिन्होंने खुद को साबित किया है, जिसमें संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग जैसे खिलाड़ी आते हैं। हमेशा से इस टीम की परेशानी थी डेथ ओवरों में गेंदबाजी, पर टॉम करन के फॉर्म में होने की वजह से इस बार बॉलिंग भी काफ़ी बैलेंस्ड नजर आ रही है, जिनका साथ देने के लिए जोफ्रा आर्चर, ओशेन थॉमस और जयदेव उनादकट जैसे खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर बात करें तो इस बार राजस्थान काफ़ी संतुलित टीम दिखाई पड़ रही है। तो अब हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। जैसा कि सभी को पता ही है, इस बार सुरेश रैना और हरभजन सिंह टीम के साथ नहीं है, पर चेन्नई ने अपने पहले मैच में इनके बिना ही बहुत ही अच्छी शुरुआत की। पर इस बार धोनी की टीम में निश्चित ही काफ़ी कमियां दिखाई दे रही थीं, पर फिर भी अपना पहला मैच जीतने की वजह से इस टीम के सभी प्लेयर्स को एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मिला है। और अगर बात करें इस बार प्लेइंग 11 की, तो उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी खिलाड़ियों ने अपना पूरा योगदान देकर चेन्नई को पहले मैच में जिताया था और धोनी की कप्तानी में ये टीम वैसे ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। तो फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मेरी प्रेडिक्शन कहती है ये मैच राजस्थान अपने नाम करेगी, और मैं ये जानता हूँ कि सभी प्रेडिक्ट करेंगे कि चेन्नई जीतेगी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। सो यस, फाइनल प्रेडिक्शन इज राजस्थान रॉयल्स। और अगर आपको इस मैच की फैंटेसी टीम के बारे में जानना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं फुल स्टैट्स और एनालिसिस के आधार पर ड्रीम टीम के बारे में जानकारी देता हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर प्रेडिक्शन में या आगे मैच में कुछ भी चेंज होने को होता है, तो मैं उस पर अपलोड कर दिया करूँगा, उस पर अपडेट दे दिया करूँगा, ताकि अगर आप इस प्रेडिक्शन के ऊपर जा रहे हैं, अगर कुछ चेंजेस होते हैं, तो मैं उस पर अपडेट दे दिया करूँगा। तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे भी इसी तरह की मैच प्रेडिक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय।